हेलो गाइस, कैसे आप लोगों का स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी को DIY फिश टैंक के बोलो या हाइडिंग प्लेस बोलो या को मैं कोकोनट शेल से बनाकर दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक नारियल लेना है। नारियल लेके उसको पूरा छीलना है। उसके ऊपर का मतलब थोड़ा भी कुछ परेशान नहीं है। देखो मैं कैसा छील। तो आप देख सकते हो इसको मतलब एक भी उसका जो शेल रहता है वो रहना ही चाहिए पूरा पूरा। अभी इसको अपन सैंड पेपर से पूरा रफ कर लेंगे। उसके ऊपर जो थोड़े थोड़े जो ये यहाँ पे देख सकते हो कुछ तो भी मतलब उसके जो दाने रेशे और रेशे पूरे क्लीन कर लेना है। देखो पूरा मतलब पूरा क्लीन कर लेना है क्योंकि इस वजह से आपका अपना फिश टैंक होता है मतलब वाटर जो है वाटर का कलर जो चेंज हो सकता है। तो आप मेक श्योर कि पूरा मतलब पूरा क्लीन कर ले। पूरा क्लीन करने से मतलब अच्छा भी दिखेगा और जो कलर है नेचुरल कलर दिखेगा। तो एक देख सकते हो आपको बिल्कुल ऐसा पूरा क्लीन कर लेना है। तो चलिए, तो आप देख सकते हो कि आपको पूरा क्लीन करने के बाद में इसको हाफ वे में काट लेना है। तो मैं तो जो मतलब आपके पास जो भी साधन हो उससे काट लो। मैं जो एक्स्ट्रा ब्लेड है उससे काटा हो तो उसको देखो हाफ वे में आप ऐसे कट कर ले। तो अभी जो अंदर का जो सॉफ्ट है नारियल उसको आप गरम कर ले। उससे जो अंदर का नारियल है वो मतलब जल्दी में निकल जाता है। वो आपको सबसे पहले उसको थोड़ा गरम कर लेना है और जो भी मतलब उसकी डस्ट होगी वो भी आप आग से मतलब क्लीन हो सकती है। गरम करने के बाद उसको सावधानी से बहुत सावधानी से मतलब शेल टूटने नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत मतलब सावधानी से आप ये अंदर का जो नारियल है निकालो। तो बिल्कुल आपको ऐसा पूरा क्लीन कर लेना है। क्लीन तो देखो पूरा क्लीन का मतलब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो अभी अपन दूसरे को निकाल लेते हैं।
पूरा निकालने के बाद आप उसको सैंड पेपर से रब कर ले। देख सकते हो ये मैंने कुछ काट के बनाया, थोड़ा लग के देख रहा है पूरा हमने सैंड पेपर से रब करने के बाद में। और ये मेरे पास जो उसका दूसरा पार्ट है और एक मेरे पास पहले से था और वो मैंने टैंक में डाला हुआ है और उसका दूसरा पार्ट जो नीचे है वो थोड़ा टूट गया था, तो ये भी अपन अभी टैंक में डालेंगे। तो मैं आप सभी को अभी फिश टैंक में ऐड करके दिखाऊंगा, तो उससे मतलब कितना अलग ब्यूटीफुल देखने लगता है फिश टैंक। तो ये हमारे कोकोनट शेल जिसको मैंने वॉश कर लिया है और मतलब पूरा साइड पर से क्लीन करने के बाद में, पूरा वॉश करने के बाद में मैं इनको ऐड करूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने चारों पीस जो फिश टैंक में ऐड कर लिए और आप देख सकते हो बहुत मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरे मौली उन्होंने एक बार और मतलब बीज दे दिए, तो आप देख सकते हो ये मेरे मतलब मौली के छोटे छोटे बीजेस देख सकते हो। तो ऐसे नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बाय।